और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सागर हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सुशील कुमार के चार साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चार आरोपी सागर हत्याकांड में शामिल थे, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। इससे पहले सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरे सहयोगी पुनीत की रिपोर्ट देखिए, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या स्टेटस है, उनकी तरफ से जानकारी दे। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार के चार और साथियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिला पुलिस ने इन चारों को देर रात घेवरा गांव के पास से गिरफ्तार किया है और इस मामले में बताया जा रहा है कि ये चारों आरोपी सुशील कुमार के साथ हत्या के वक्त छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे। इन चारों आरोपियों के नाम भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत है और ये चारों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस लगातार इनको तलाश कर रही थी और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया उसके बाद से इन्होंने पुलिस को खुलासा किया कि जिस वक्त हत्या हुई ये चारों उस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे। अपनी ब्रेजा और स्कॉर्पियो कार से ये लोग छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। इन लोगों ने पुलिस के सामने खुलासा भी किया कि आखिर किन हालात में किस तरीके से सागर धनखड़ की पिटाई की गई थी और जब पुलिस का सायरन बजा तो ये लोग वहां से फरार हो गए थे। लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इन चारों आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उस रात हत्या के समय क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था और कौन कौन लोग उस वक्त शामिल थे। फिलहाल इन चारों की गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस को अहम सुराग और कड़ियां भी हाथ लगी हैं, जो कि सुशील कुमार को आरोपी साबित करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों से भी पूछताछ कर रहा है। ये चारों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।